अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैंने डेवी टीम खुश आमदी और आज जो है हम लोग की टीगो 8 प्रो को नंबर लगवाना है। हमने रजिस्टर्ड हो गई है वो, तो उसका नंबर वगैरह मेरे पास आ गया। बिड पे नंबर लिया था उसका, ऑलमोस्ट 3-4 दिन लग गए बिड के अंदर ही। तो आज जो है उसकी नंबर प्लेट का मैंने कह दिया हाफिज भाई को, अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह मुझे मैसेज करके या कॉल करके बता देंगे। तो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन वगैरह मैं आपको दिखा दूँगा सारा, कौन सा लगवा रहे हैं, और गाड़ी का नंबर है 992। और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक जाके तो फिर हम वो भी करवाते हैं, और उसके अलावा फिर आपको गाड़ी का भी दिखाते हैं आज क्या सीन है। और आज छोटा सा एक इवेंट भी है अस्करी 10 में, तो इंशाल्लाह आज वो भी ज्वाइन करेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। जो 200 नंबर बेटे हैं मेरे रिसीव हो गई हाफिज भाई से, या हाफिज भाई हमारे सामने ही अब तैयार कर रहे हैं दूसरी भी। आया आया माशाल्लाह माशाल्लाह। जी दोस्तों, नंबर प्लेट अपने पास आ गई है, ठीक है। और बस अब इसको जो है डबल टेप वगैरह लगाते हैं, और इसको जाके अब चेहरी पे लगाते हैं, और फिर आपको लगा कर दिखाते हैं कैसी लग रही है। दोस्तों फाइनली अपना नंबर इंस्टॉल हो गया गाड़ी पे, तो बाकी आप लोगों ने माशाल्लाह बोलना लाजमी है, ठीक है। और गाड़ी की हालत थोड़ी सी ऐसी है, इंशाल्लाह सुबह वॉश करवाएंगे इसको। और अभी आपको मैं ज़रा फ्रंट की लुक थोड़ी सी दिखाता हूँ, नहीं तो गाड़ी थोड़ी सी बाहर निकाल के फिर आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों ये है जी अपनी गाड़ी की फ़ाइनल लुक, ठीक है। नंबर प्लेट इंस्टॉल हो गई है। थोड़ा सा मुझे नंबर प्लेट का डाउट लग रहा था कि साइज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उनसे है ना 5.5 इंच या की ना मिलनी थी प्लेट इसकी, तो 5 इंच में कटवाई हैं। तो फाइनल फ्रंट की भी काफ़ी अच्छी लुक आ गई है वैसे तो, और बैक की भी काफ़ी अच्छी है। तो बैक वाली का थोड़ा सा मेरा हो रहा सीन कि चेंज कर दी जाए, और थोड़ी सी ना ज़्यादा चौड़ी लगा दी जाए, क्योंकि ना पीछे ये जो बोल्ट्स हैं ना बोल्ट्स वो थोड़ा सा मसला कर रहे हैं। तो खैर बाकी देखते हैं अभी क्या सीन है इसका। और अभी का सीन ये है कि अभी चलते हैं जी फेस्टिवल पर, गाड़ी के अंदर फ्यूल जो है वो डलवाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर जो है ना फेस्टिवल पे चलते हैं। जी दोस्तों गाड़ी हमने पार कर दी है, और अब चलते हैं और चल के ज़रा आपको इवेंट दिखाते हैं थोड़ा सा। जी दोस्तों ये हेलीकॉप्टर खड़ा किया हुआ है इन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेटअप है, खाना शाना भी लगा है, स्टॉल्स बने हैं बेहतरीन से किस्म के, मंशा टिक्का ये वो सब कुछ है। ये तो दोस्तों ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, ये पान लगा हुआ है और गोल गप्पे लगे हैं, ये फ्राइज़ लगे हुए हैं, इसी तरह काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं इधर मुख्तलिफ़ किस्म के, फैमिलीज़ ने खुद लगाए होंगे। और ये हेलीकॉप्टर है जो कि आर्मी वालों ने यहाँ पे खुद खड़ा किया, और मेरा ख्याल है इस पे से इंजन उन्होंने निकाला होगा। भाई क्या लेके आए हैं आप? चीपस। दो चीपस। तो अपने बारबेक्यू हो गया रेडी, तो साथ इसके सॉस लिया हमने, और अभी चलते हैं इसको खाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आप दोस्तों ये हमें गिफ्ट मिला है, इसके अंदर क्रीम है कोई पता नहीं कौन सी, आपको घर जाके दिखाते हैं इसका सीन क्या है। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी जौन सा है स्टॉल वाले फैमिली वाले भी हैं, और कुछ जौन सा है वैसे ही हॉबी के तौर पे वैसे ही फ्री दे रहे हैं खाना, तो और कुछ जौन से हैं जिन्होंने जिनका अपना ब्रांड है या अपना खाने छाने वाला सीन है वो खुद कर रहे हैं। और ये सामने स्क्रीन लगी है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आके अपना जौन सा है ना जो भी इन्होंने तैयार वगैरह किया है वो परफॉर्म कर रहे हैं।
जी दोस्तों, ये सारे कपड़े वगैरह और जोन सा है ना ज्वेलरी वगैरह लगी है यहाँ पे, और इस साइड पे ऑपोजिट साइड पे खाना शरण लगा है और काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हैं। तो हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया और फैमिलीज ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। तो अभी का सीन ये कि इधर से फ्री होकर चलते हैं बाहर, और चलते ज़रा बाहर कुछ देखते हैं क्या सीन है। अभी इनसे पूछते हैं उन्होंने खाना शाना है कुछ या नहीं। हमने तो बस थोड़ा थोड़ा जोन सा है यहाँ पर चेक चुक किया खाना शाना, बारबेक्यू वगैरह और फ्राइज थोड़े से लिए थे। तो अभी देखते हैं कुछ अगर बाहर से ट्राई करते हैं कोई अच्छी चीज़। भैया हम लोगों ने एक बच्चे की मदद की है, वो सेल कर रहा था यहाँ पे और कह रहा था मैं यहाँ पे कहीं किसी के घर में काम करता हूँ और ये मैं सेल कर रहा हूँ, तो उससे अभी हमने ख़रीदी है। ऐसे मेहनती लड़के देखते हैं ना फिर अच्छा लगता है कि मतलब काफ़ी अच्छे कुछ लोग मेहनत करने वाले भी हैं यहाँ पर। मतलब अभी छोटी सी उम्र है बच्चे की और काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं जी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए अपनी गाड़ी के पास और फेस्टिवल इंजॉय वगैरह कर लिया हमने, और बस अब जोन सा है ना चलते हैं, चल के ज़रा गाड़ी के अंदर फ्यूल वगैरह डलवाते हैं। और नंबर प्लेट का आप लोग मुझे बताएं कि कैसी लग रही है, चेंज करने का सीन है या नहीं, चेंज करनी चाहिए या यही ठीक है। तो चलें धुंध हल्की हल्की पड़ना शुरू हो गई है। हम लोग आ गए हैं वापस और अब जो सा है गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने जाना है और वापसी पे कुछ खाने के लिए भी लेके आते हैं क्योंकि आपके भाई ने तो कुछ भी नहीं खाया। और अभी चलते हैं और चल के तो पेट्रोल डलवाते हैं और कुछ खाने के लिए लेते हैं। लोग एक और बात बताएं कि वीडियो जो सी है मैं वाइड एंगल में बनाया करूँ या जो सा है ना 1x पे बनाया करें, तो आप लोग बताएँ फिर उस हिसाब से करेंगे। क्योंकि अक्सर जो सा है ना वीडियो क्वालिटी जो ज़्यादा अच्छी आती है ना वो वैसे 1x पे आती है, तो थोड़ी सी क्वालिटी उनसी है ना वो गिर जाती है वाइड एंगल पे। इतना फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फ़र्क पड़ता है जी। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं DHA और आगे आप देख सकते हैं धुंध की सिचुएशन कितनी है। और अभी हम लोगों ने फ्यूल गाड़ी में डलवाया है और गाड़ी की रेंज भी ऑलमोस्ट शो हो रही है 171। धुंधा आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आगे जा रहे हैं ज़्यादा हो रही है। दोस्तों हम जोनी जुगनू पहुंच गए हैं और अभी हम लोगों ने ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर आता है तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि क्या है। गाइस वो ना हम स्ट्रीक बनाना भूल गए थे, हमने खाना खा लिया अब हम क्या करें। इस धुंध बहुत ज़्यादा है और गाइस हम जा रहे हैं। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहाँ पर करते हैं एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस धुंध को मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी चाय है। अच्छा चाय है।